हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे रामकृष्ण फॉगिंग लिमिटेड कंपनी के रिलेटेड यहाँ पे क्या एक ब्रेकिंग न्यूज़ कंपनी का निकल के आया हुआ है, जिसके कारण कंपनी का शेयर प्राइस जो है थोड़ा बहुत सुबह से लगभग डाउन है 8%, बट स्टॉक ने अभी का एक अच्छा खासा रिकवरी किया हुआ है। न्यूज़ क्या निकल के आया हुआ वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, सो कंपनी ने यहाँ पे क्या डिस इन्वेस्टमेंट किया, मीन्स कंपनी ने खुद की जो सब्सिडी थी उसको अभी थोड़ा अलग कर दिया। यहाँ पे देखें, जो कि 100% इक्विटी शेयर था कंपनी का, बट कंपनी ने क्या डिस इन्वेस्टमेंट किया है। वो कंपनी का नेम क्या है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया, ग्लोबल ऑल इंडिया सर्विस लिमिटेड। सो ये कंपनी का डिस इन्वेस्टमेंट किया गया है। सो जिसके कारण कंपनी की शेयर प्राइस में जो थोड़ा बहुत डाउनवर्ड हमको देखने को मिला, बट स्टॉक अभी थोड़ा बहुत रिकवरी कर रहा है। सो इसका जो इफेक्ट हमको फिलहाल अभी क्या देखने को मिल भी रहा है, बाकी न्यूज़ कंपनी का यही निकल के आया हुआ है। बाकी ऐसा कुछ पोटेंशियल न्यूज़ जो है एक्चुअली जो होना चाहिए वो यहाँ पे क्या निकल के नहीं आया हुआ है। डिस इन्वेस्टमेंट किया गया, इन केस कंपनी का शेयर पर थोड़ा बहुत डाउन होगा, बट बिजनेस को थोड़ा बहुत अलग किया गया, बस इतना ही है। बाकी कुछ खास न्यूज़ कंपनी का निकल के नहीं आया हुआ है। सो ये था कंपनी का ब्रेकिंग न्यूज़। सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं, सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।